देखते रहिए यूबीएन जीरो एट रिपोर्टर दयाराम चंद्रवंशी। नागदा से बड़ी खबर आ रही है, कोमल धाकड़ की स्मृति में विश्व युवा मंडल ने कोरोना काल में जमीनी स्तर पर सेवा देने वाले नागदा खाचरौद के पत्रकार, स्थानीय पुलिस अधिकारी, पुलिस जवानों का किया सम्मान। नागदा का गरबा आयोजन जहां धरती माँ के सेवकों की सेवा को समर्पित होकर विश्व युवा मंडल नागदा पिछले 35 वर्षों से गरबा आयोजन करते आ रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद 2021 में देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी महोत्सव की थीम पर भारत द्वार बनाकर माता शक्ति को विराजमान किया। कोरोना के 2 वर्ष में बिना अभ्यास के कन्याओं का मनमोहक आकर्षित भक्ति गरबा किया जा रहा है, जिससे देखने वाले देश भक्ति में खोकर आनंदित हो गए। साथ ही एक ऐसा मंच जहां भारत माता द्वारा सेना, जनता, जनार्दन, प्रशासन के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान विश्व युवा मंडल ने किया। आयोजकों ने कहा कि पहली बार एक साथ नागदा खाचरौद के सभी पत्रकार एक साथ दिखे। चैनल से चर्चा में संयोजक राजेश धाकड़ ने स्पेशल आयोजन का विश्व युवा मंडल की 35 वर्ष पुरानी टीम और क्षेत्र की जनता, प्रशासन और पत्रकार को धन्यवाद दिया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिवस मनाने जा रहा है, हम एक अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाने का काम कर रहे हैं। और जिन योद्धाओं ने, कोरोना योद्धाओं ने, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्से हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, पुलिस प्रशासन हो, नगर पालिका की टीम हो, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, हमारे पत्रकार साथीगण हो, उन सब लोग कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का निर्णय कोमल धाकड़ और युवा मंडल ने लिया, क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे 24 घंटे तक अपनी ड्यूटी अपने घर बार को भूल गए। उनके घर में कोई कमी हो गई तो भी वो नहीं गए और अपने हम हादसा नगर की